आज के व्लॉग का आगाज करते हैं। वाओ अदील, व्हाट अ सरप्राइज। व्हाट अ बिग सरप्राइज यार, व्हाट इज दिस यार, ये क्या ले आए हो? अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? आज के व्लॉग के आगाज पर ही सौगातों पर सौगातें। अरे कहना क्या चाहते हो? एक सौगात, दूसरी सौगात और ये तीसरी। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? लाइट में भी चला के देखो। इतनी खुशी मुझे आज तक। व्हाट अ ब्यूटी यार, व्हाट यार, ये क्या कर रहे हो? गरम तो करवा लो यार। तो चम्मच तो आया नहीं है, क्या की? दिस इज अ देसी चम्मच, देसी। ये दोनों परेशान है जी। मैं नहीं परेशान, मैं इसकी परेशानी का हल कर रहा हूँ। इसका कोरोना खराब हो गया है, नौकर रखे हैं ये जी, इन्होंने 100-100 रुपए में नौकर रखे हुए हैं। हाँ उसमें हो रहा है, मैंने पहले 2-3 खोल देखे हैं। ये कलर से दिया दस रहा, दसों मेरे को ला गया जी, ला उसे आओ ला दो जी, कर दो कर दो। ओए जल्दी करो, नहीं करना जनता की।
तो आज के ब्लॉग में आप सबका खुश आमदीद मरहबा मरहबा। हम हैं अदील के साथ आज आए हुए हैं कहाँ पे? बिस्मिल्लाह अल रहमान रेस्टोरेंट में। हाँ बहुत ठीक है बशर सदीक आपकी खिदमत में हाजिर है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह घोड़ी पे सवार होने लगा हूँ। हाँ जी अबू जी और जिंदाबाद में बशर मदई आ गई। बहुत तेज हो रहा है तो हम आज उस्ताद को चैलेंज दे रहे हैं। चैलेंज है कि हम लोग क्या बनवा के लाए हैं। हाँ आज इन्होंने बताना है जी क्या हम बनवा के लाए हैं जो इनके लिए लाए हैं। ये इन्होंने चैलेंज एक्सेप्ट किया है। ताड़ी सादी देखनी है उस्ताद जी। हाँ उस्ताद जी भी आपको दिखा देते हैं। ये है उस्ताद जी। ये उस्ताद जी और ये कटिंग हो रही है जी। तो ये उस्ताद जी ने चैलेंज एक्सेप्ट किया। ये बताएंगे कि आज हमें हम लोग क्या बना कर समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? अदील की शक्ल बिल्कुल किस आलू जैसी है। उस्ताद जी टेस्ट करके दसो। एक मिनट ही यार। केचप के साथ सही लगेगा। केचप भी उतना नहीं यार। यार हमें फोर्क में मारो। केचप भी उतना डालना। वैसे फोर्क होने चाहिए ना। आज ही कितना टाइम? 12 मिनट लगे नहीं हुआ। 5 मिनट लगे नहीं हुआ। अब 10 मिनट और लगाते हैं। ऑनर साहब हाथ चला दो। हाथ चला दो। कैमरे की आंख आपको देख रही है। रुको जरा सबर करो। ओनर तो बड़े पाए ने। पता लगा लिया। सब कुछ पता लगा लिया। मैंने अपने दिमाग का इस्तेमाल करके सब कुछ पता लगा लिया। राणा साहब की तशरीफ आ रही। सही खेल गए बेंच। की हाल है? मैं की हो गया? राणा साहब तो ना आए हैं। फोग जी फोग फोग का कमाल चेक करें। राणा पूरा ना आया।
ਟਿਸ਼ੂ ਤੋਲੀਆ ਵੀ ਦਿਓ की दस रहा सर उस्ताद की दस रहा सर जुमे आला दिन की होया उस्ताद जुमे आला दिन की होया जुमे आला दिन मैं नहाने लगा तो मैं ना गीजर इलेक्ट्रिक गीजर सी अच्छा तो मैं चलाता घंटा भी पहले अच्छा ठंडे पानी गर्म कर देना बड़ा टाइम तो जरा अद्धा घंटा लग जाना ज्यादा ज्यादा अच्छा मेरे हिसाब से यही सी तो बाले खा रहे होने अच्छा घंटा चल गया तो मैं उन सिर्फ पत्ती पानी तो दुध पाने अच्छा वो बढ़िया मेरे लिए उधर जुमे का टाइम से तो मॉल भी बच ना एंड मतलब होंगे ना वो कहते कवर च लत्त पैन नहीं उत्ते घुसी बस एंड पे चुंडी वड्डी है मेनू पता ही ना लगे दस दिन का पानी खड़ा हुआ था गल कोई भी नहीं ना नहीं वो गीजर चला क्यों होनी आजू ट्रिप हो गया पता ही नहीं लगा ट्रिप हो गया कि 10 दिन का पानी खड़ा ये कितने दी गल है पिछले जुमे तो दी गल है कि आज जुमे भी मेरे नाल इंजी होया लेकिन काट ठंडा हुआ बचत हो गई पानी काट ठंडा से चेंज होता रहा हजे जरा फटे ना इस तू भी मुश्किल नहीं कर लेंगे उस जिस पानी च नहाया ना उस तो बाद ठंड ही ना लगे मोटरसाइकिल नस्ता गया बर्फ न फैसल पहुंच गया जी फैसल पहुंच गया फैसल 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 लो जी विद कढ़ाई वो क्योंकि आज कढ़ाई है हो जी फैसल डाल ना रख दो रिकॉर्ड पैदा हो रही बड़ा हरामी हो बेटा जमाद दरवाजा तो बंद करो यार सर्दी आ सर्दी प्लेट है उधर रखे
ਸਾਰੀ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣਾ ਤੂੰ ਹਰ ਵਾਰੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਉਹ ਜਿੱਤਣੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਸਾਰੀ ਇਹ ਦੇਖੋ ਟੈਂਡਰ ਕਿਤਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਗਰਮ ਹੈ ਮੂੰਹ ਮੇਂ ਡਾਲ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਮੁਬਸ਼ਰ ਮਜ਼ਾ ਹੀ ਆ ਗਈ ਅੱਬਾ ਜੀ ਅੰਗੂਠੇ ਵਾਲਾ ਜਰਾ ਕਰ ਦਿਓ ਵਾਹ ਮੁਬਸ਼ਰ ਪੁੱਤਰ ਮਜ਼ਾ ਹੀ ਆ ਗਿਆ ਬੇਸ਼ਰਮ ਆਦਮੀ ਰਾਣਾ ਵਿਦ ਸਟ੍ਰੀਮ अच्छा जी मुझे लगता है उस्ताद जी यो बना दे रहा जान गया डाडो ये जी दूसरा जो है ना लेवल आ चुका एक प्लेट हो रहा दूसरा लेवल जी लेवल है हाँ तीन कढ़ाइयों में तो तू खा ना तुझे किस बात की टेंशन है वो बड़ी कढ़ाई थी तीन टेंशन नहीं लेनी जी फ्री हो गए अब हम कढ़ाई से अब किसका वेट है हाँ जी देखिए इसने पट चूसे पट चूसे हैं अधीर दिल पट तो ये क्या है डबल मीनिंग वाली आप ताबिश हाशमी वाली आज शो आजकल शो देख रहे हैं ना ये ना देखा करे आपकी मेहरबानी बेकार है भैया मैं तो टूट गया ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਸੀ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਲਵਾਇਆ ਸੀ ਆਲਾ ਦੰਦ ਨਾ ਪਿੱਤਲ ਦਾ ਉਹਨੇ ਕੋਲ ਚੜਵਾਇਆ ਸੀ ਖਲਾਬ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਪਿੱਤਲ ਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਕਰਦਾ ਸੀ ਸੁਨਿਆਰ ਦੀ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਕੰਮ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਕਜ਼ਨ ਦੀ ਸੀ ਪੱਤੋਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਨਾ ਦੁੱਧ ਲੈਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਉਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਦੁੱਧ ਲੈਣ ਅਤੇ ਕੈਡ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਦੱਸਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸੋਨੇ ਦਾ ਲਵਾਇਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਗੱਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਫੈਲੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਪਿੰਡ ਜਿਸ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹਿਰ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਚੋਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਦੰਦ ਦਾ ਖੋਲ ਲਾ ਦੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਪਿੱਤਲ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾਟ ਮਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਤੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸੋਨੇ ਦਾ ਲਾ ਕੇ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਅ ਜੀ ਫਿਕਸ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਲਾ ਕੇ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਪਣੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਟੂਲ ਬਾਕਸ 'ਚੋਂ ਪਲਾਸੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਕੱਢ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਲਾ ਕੇ ਦੇ ਤੂੰ ਕਸਮੇ ਕਰੋਨਾ ਚੁੱਕੀ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਪਿੱਤਲ ਦਾ ਨਾਲ ਪੁੱਟਿਆ ਨਾਲ ਮੋਬਾਈਲ ਵੀ ਲੈ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਮਸਤ ਜੋਕ ਮਾਰਿਆ ਯਾ ਹੱਸ ਰਿਹਾ ਹਲਕਟ ਹੱਸ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਉਵੇਂ ਸ਼ੋਕੀ ਮਾਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ मर्द बनया फिर ਸਰੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦਾ
ਆਟ ਜਾ ਰਾਣਾ ਆਟ ਜਾ ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਨਾ ਅਸਲ ਚ ਵਲੌਗ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ ਅੱਜ ਦਾ ਵਲੌਗ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੱਸੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਰਾਣਾ ਜੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬੋਲ ਕੇ ਕਿ ਰਾਣਾ ਜੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦਾ ਪੈਟਰੋਲ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਲੇਕਿਨ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਸਹੀ ਹੈ ਚਲਾਓ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਦੀ ਸ਼ੁਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਜਾਓ ਅੱਛਾ ਜੀ ਓ ਜੀ ਇਹ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ ਇਸ ਵਕਤ ਫੋਗ ਕੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹਾ ਕੁਛ ਵੀ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਹਮ ਲੋਕ ਮੈਂ ਔਰ ਉਸਤਾਦ ਹੁਜ਼ੈਫਾ ਦੋਨੋਂ ਡਰਾਈਵ ਕਰਕੇ ਘਰੋਂ ਕੋ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਭਾਈ ਕਾਮ ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ ਆ ਜਾ ਟਾਈਮ ਕਿਆ ਹੋ ਗਿਆ ਭਲਾ ਭਾਅ ਜੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣੇ ਪੈਣੇ ਡਰ ਗਈ ਡਰ ਗਈ ਡਰ ਗਈ ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਰਹਿਣ ਦੇ